फ्रेंड देख सकते हैं इजीली फिट हो गई। जब हम इस पे स्क्रू कसेंगे तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। तो अब हमारा रह गया फ्रेंड्स इस पे फोल्डर चिपकाना। तो फ्रेंड्स अब इसमें कुछ रहा नहीं है, देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इस पे चिपकाते हैं फोल्डर, जो कि हमारा मेन चीज है। तो ये रहा हमारा फोल्डर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे एक पत्ती दी हुई है, पहले हम इसको रिमूव करेंगे जिससे कि हमारा ये पत्ता यहाँ पे चिपक जाएगा बहुत ही सावधानी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी चिमटी कहाँ गई, ये रही, ये देख सकते हो यहाँ पे ग्लू दी हुई है इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम कुछ इस तरीके से चिपकाएंगे, ये देख सकते हो ये चिपक गया यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो भाई आपको मैं सही से नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि भाई फ़ोन का सवाल है। और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, देख सकते हो फ्रेंड्स इजीली फिट हो जाएगा। अब हमें पहले इस पे फ्रेंड्स पूरे पे ग्लू लगाना पड़ेगा, तो मैं ग्लू लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ना। तो फ्रेंड्स जब आप मार्केट से ख़रीदो तो कुछ इस टाइप से ध्यान से देख के ख़रीदना, हो सकता है ये मुझसे टूट गया हो, लेकिन मुझसे नहीं टूटा क्योंकि भाई मैंने अब इसके साथ कुछ ऐसा करा ही नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ से ये टूट गया। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम इस पे पूरे पे ग्लू लगाते हैं, फिर अच्छी तरीके से इसको चिपकाते हैं। तो एक्स्ट्रा ग्लू को हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जम गया ये। तो हमें ग्लू लगाना है इसके चारों तरफ। हमें ज़्यादा भी नहीं लगाना है, हल्के हल्के बस ऐसे फेरते चलना है और ये इजीली लग जाएगी अपनी जगह पे। तो देख सकते हो आप इस तरीके से हमें लगाना है, और बाद में एक्स्ट्रा ग्लू को साफ कर लेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्लू यहाँ पे लगा दी हो, थोड़ी सी मैं यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ जिससे कि हमारा जो है वो डिस्प्ले निकले ना। तो ये रहा हमारा फोल्डर, तो इसको चलिए हम लगाते हैं। अब ठीक है फ्रेंड्स ये लग गया फोल्डर हमारा। अब इस पे हमें लगाना है, ये देख सकते हो निकल रहा है। तो पहले हम इस पे लगाना है रबड़। तो भाई हमारी रबड़ कहाँ गई, हमारी रबड़ ये रही, बाद में हम इसका ग्लू को साफ करेंगे।
तो ये इसका कनेक्टर आ गया है यहाँ पे, पहले हम इसको फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स इसको इस तरीके से रबड़ बैंड चढ़ा देंगे। जितना टाइट हो उतना अच्छा। तो फ्रेंड्स मैंने इसको कुछ इस तरह से रबड़ से पूरा अच्छी तरह से बंद कर दिया है, जिससे कि फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसको मैं छोड़ दूंगा अभी एक दिन के लिए ऐसे ही, और फिर मैं महीना इसमें बाद में जो है बैटरी और मदरबोर्ड असेंबल करूंगा। तो अभी इसको मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे हम बाद में।